हेलो एवरीवन, आज हम स्पोकन इंग्लिश के टिप्स के बारे में बात करेंगे दैट हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप कैसे धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके लिए टिप्स हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप उसको बोलना सीखना चाहते हो तो बोलना ही पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि वो ग्रामर से आ जाएगी, वोकैबुलरी से आएगी, किसी और काम से आ जाएगी, नहीं। You will have to talk, you will have to speak, बोलना ही पड़ेगा। Speaking comes by speaking। जो भी बच्चा है, पहले कोई भी लैंग्वेज उसको आती है, वो सीख के ही स्कूल में जाता है। पहले वो घर में अपने आप ही सीख जाता है, कोई लैंग्वेज लैब नहीं होती है, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, वो सीख जाता है सही। तो बोल के ही वो स्कूल में जाता है, तो बोलने से उसको इंग्लिश आई, किसी के सिखाने से नहीं आई है। सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, ऐसे उसको इंग्लिश आती है। तो सबसे पहली बात हमें ये अपने माइंड में डाल देनी है कि जितना भी आपको आता है, आपको थैंक यू बोलना आता है या सॉरी बोलना, जितना भी बोलना आता है उतने से शुरू करें, फिर वो बढ़ता 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 नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और हेजिटेशन नहीं करना, इसी में एड पॉइंट करेंगे हम, कि आपका हेजिटेशन नहीं करना। हमें लगता है कि सामने वाला शायद शायद हमारी मिस्टेक्स पकड़ लेगा, वो हमारे बारे में हंसेगा, ऐसा नहीं सोचना। कोई ना फाइन होने वाला है वहां पे, अपने माइंड से बात तो निकाल ही दो। आप इंप्रूव कर रहे हो, अगर थोड़े दिन बाद आपको अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, कोई थोड़ा बहुत सोचता भी है, लेकिन सोचेगा कोई नहीं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। आप बस बोलें, लोग आपको अप्रिशिएट करना भी शुरू करेंगे। ठीक है जी, कोई भी हेजिटेशन आपको नहीं करना है। आपको जहां मौका मिले, जितना आपको आता है, आप ट्राई करें। सामने वाले को आती है नहीं आती है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, तभी बात बनेगी आपकी। ठीक है ना, जहां भी आपको चांस है, वेयर एवर यू हैव चांस, वट एवर यू नो, जितना आपको आता है, ठीक है, एंड वेन एवर यू हैव टाइम, आपको बोलना है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे महत्वपूर्ण, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आपको माइंड में सोचना शुरू करना है। हमारे माइंड में हिंदी तो चलती रहती है, कन्वर्सेशन हिंदी है या कोई लैंग्वेज है, आपके माइंड में वो चलती रहती है, कन्वर्सेशन चलती रहती है इंग्लिश में, वो हिंदी में चलती रहती है, वो कन्वर्सेशन आपको इंग्लिश में करनी है। सपोज आप अपने फादर से मिलने जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, आप किसी से मिलने जाते हैं या किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हो, आप उनसे क्या कहोगे? अगर वही बात आप इंग्लिश में बोली तो कैसे बोलनी है, वो अगर इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? वो कन्वर्सेशन जो हमारे हिंदी में चलती है, किसी और लैंग्वेज में चलती है, पंजाबी में चलती है, वो कन्वर्सेशन आपको इंग्लिश में करनी है। सारी माइंड के अंदर जो भी चल रहा होता है, अपनी मदर से मिलने जाते हो, फ्रेंड से मिलने जाते हो, क्या आप उनको कहने जा रहे हो, क्या आप उनसे कुछ डिमांड करने जाते हो, इंग्लिश में कैसे डिमांड करोगे? पहले से प्रिपरेशन करो, पहले से प्रेजेंटेशन तैयार करो इंग्लिश के अंदर ही। जो भी बातें आप किसी से बोलने जा रहे हो, कोई आप सुनना चाह रहे हो कि वो आपसे बोलेंगे तो क्या सुनेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे? तो माइंड जो है कन्वर्सेशन इंग्लिश में आपको शुरू कर देनी चाहिए, इंग्लिश में ही सोचना शुरू करना पड़ेगा। थिंक इन इंग्लिश, ये थिंकिंग इंग्लिश है जो मैंने आपको बताया। कोई भी बात आपको इंग्लिश में सोचनी है, पहले आप किसी से मिलने जाते हैं वो। ठीक है जी, और अगर हम बात करें सीखने की, तो हम क्या सीखें? These old tips are very much important. पहले वाली भी important थी, जो माइंड में सीखने वाली वो भी, और ये तो तीसरी मैं बता रहा हूँ कि हम क्या सीखें। बहुत चीजें सीखने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं इंग्लिश के, तो क्या पढ़ें? ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें, क्या सीखें। ग्रामर भी बहुत सारी है, ठीक है। तो ग्रामर क्या है, मैं आपको बताऊं, एक तो बेसिक ग्रामर होती है। बेसिक ग्रामर में क्या आता है, बेसिक ग्रामर के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, लेकिन वो आपको पहले नहीं सीखने। आपको सबसे पहले सीखने फंक्शनल ग्रामर, ट्रांसलेशन, जो आपके थॉट्स को ट्रांसलेट कर सके, जो आप उसमें ट्रांसलेट कर पाओ अपनी बातों को, जो आपके मन में है, जो थॉट्स हैं आपके, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओ। पहले ट्रांसलेशन सीखनी है, टेंसेस सीखने हैं, फंक्शन ग्रामर सीखनी है। आपको फंक्शन ग्रामर में क्या आएगा, पैसिव वॉइस आएंगे, एक्टिव वॉइस आएंगे, वो जो टेंसेस है वो आएंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव वर्ब आएंगे, वो चीजें सारी आएंगी, वो आपने ग्रामर सीखनी है। ठीक है जी, लेकिन नाउन प्रोनाउन जो है, जो बेसिक ग्रामर है, वो भी सीखनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो है वो फंक्शनल ग्रामर की है, वो लास्ट की बात है, जो आपको नॉलेज बढ़ाना है, वो चीज आपको करनी है बाद में। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ें, पढ़ने का भी अपना है, कोई भी चीज जो इंटरेस्ट है आपका, रीडिंग भी करें, कुछ ना कुछ चीजें पढ़ें जो आपको समझ में आती है, कुछ भी पढ़ें, पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि भी रीडिंग कैसे करें, क्या करें, डिटेल में बात होंगी उसके बारे में। ठीक है जी, रीडिंग के बारे में, रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पढ़ें। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वी हैव बीन इन द मार्केट फॉर 17 ईयर्स, वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं सारा बता रहा हूं। कोई मशीन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना बोले, बिना इन टिप्स को फॉलो किए कि अपनी आप इंग्लिश इंप्रूव कर जाओ।
17 years के एक्सपीरियंस में हमने 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो उनको उनके एक्सपीरियंस से ही उनको देख के भी कैसे इन्होंने इम्प्रूव किया, कैसे उनसे कोई जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको हमने सॉल्व किया, तो वो सारे उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको। एज इट इज आपको फॉलो कर लेनी चाहिए, एज इट इज आज से अभी से, ठीक है जी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो जिसमें कि आपका इंग्लिश के बारे में या कोई स्टडी वीजा के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग।